हेलो चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द टर्म वन का सिलेबस, राइट? एंड नाउ वी आर डूइंग ट्रांसपोर्ट, इज इट? एंड एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज द वे थ्रू विच वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. And transportation is the means through which we move or we carry goods from one place to another, right? Now, the various means of transport can be bus. If we are traveling on land, it's bus, then train, then car, motorbike, cycle, isn't it? And if we are traveling by And if our mode of transport is water, boat, ship, ferries, right? And if it's air, it is flight, aeroplane, etc. Now, today what we are going to do is just giving you a brief introduction. What is the difference between means of transport and modes of transport? Later we will do it in details. हम इसको अभी छोटा सा मैं आपको बस explanation दे रही हूँ. फिर इसको हम डिटेल्स में बाद में करेंगे. फाइन. नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द वे द सिस्टम द नेटवर्क दैट वी आर यूजिंग लाइक द नेटवर्क ऑफ लैंड. फाइन. द नेटवर्क ऑफ लैंड इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू लैंड. एंड नेटवर्क ऑफ एयर इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर. एंड The network of water is mode of transport through water. Now, what does land comprises of? What are the means? This was the mode, right? Basically, we have three modes: air, water, and land. Now, air, water, and land is further divided into various means. Means matlab zariya. अगर हम लैंड पे हैं तो किस जरिए से ट्रैवल करेंगे, अगर हम एयर में हैं तो किस जरिए से ट्रैवल करेंगे, अगर हमें कहीं जाना है बाय एयर तो हमारा जरिया क्या होगा ट्रैवल करने का, या हमें जाना है बाय वाटर तो हमें जरिया कौन सा है ट्रैवल करने का, राइट? बट मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, वी यूज लैंड ट्रांसपोर्ट, राइट? मैक्सिमम वी यूज लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ लैंड ट्रांसपोर्ट कंप्राइजेज ऑफ road and rail. So rail is also a part of road itself, but वो क्या है, it is a subdivision, right? sub mode कहेंगे उसको हम, क्योंकि जो land है, जो railways है वो land को ही use करता है, but it has a track. हम चक्के पे गाड़ी में travel करते हैं, but railway has a track, isn't it? road, there's a difference between a road and railway track. And railway track is made on the road, right? In road, how do we travel? We travel through cars, buses, motorcycles, rickshaw, right? And the simplest, what is the simplest means? सबसे easy तरीका हमारा transport का क्या है? Do you know that? कभी आपने सोचा है कि सबसे easy तरीका कहीं पे अगर हमें नज़दीक जाना है तो वो क्या हो सकता है? कुछ लोग सोचेंगे it can be a cycle. कुछ लोग सोचेंगे इट कैन बी अ स्कूटर, कुछ लोग सोचेंगे इट कैन बी अ मोटरबाइक. बट लेट मी टेल यू, और आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर कि द सिंपलेस्ट मोड ऑफ द सिंपलेस्ट मीन्स तरीका जो हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इट इज थ्रू आवर लेग्स. वी हैव टू लेग्स, राइट? तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका एक जगह से दूसरे जाने एक जगह जाने का क्या है, वी हैव आवर टू लेग्स. नाउ सपोज आप एक सोसाइटी में रहते हो, राइट? एक सोसाइटी में डिफरेंट बिल्डिंग्स होते हैं, राइट? एंड उस सोसाइटी के अलग अलग बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी गो थ्रू आवर लेग्स, वी गो थ्रू वॉकिंग. सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वॉट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू गो फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग और वन अपार्टमेंट टू अनदर अपार्टमेंट इज थ्रू आवर लेग्स. सो हियर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज
legs, right? So the legs becomes the simplest means of transport, है ना? अगर आपको खेलने के लिए पार्क में जाना है और पार्क आपके घर के पास ही है, तो what will be the mode of transport? The simplest way will be legs, right? हम चल के ही जाएंगे ना? Now, पुराने जमाने में what people used to do? जब कार्स नहीं बने थे, जब ट्रेन्स नहीं थे, बहुत पहले, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए what they used to do? They used to go through bullock carts or horse carts, carriages. Now, what is bullock cart? बैल गाड़ी, right? And horse cart? घोड़ा गाड़ी. So they used to travel from one place to another in bullock carts or horse carts and carriages. But it used to take a lot of time. बहुत time लगता था. Then slowly development होता गया. फिर हमें cycle मिला, फिर हमें bikes मिले, फिर हमें cars मिले. Cars में भी there are so many variety of cars, right? There's XUV, there's sedan, there's hatchback, then there's Mercedes, there's BMW, so many variety of cars. Now, अगर आपको within state travel करना है तो car is good. अगर आपको एक ही state के अंदर travel करना है तो car is good. But even कुछ places ऐसे होते हैं जहाँ आप car से नहीं जा सकते हो. So what do we use? We use bus. Why? Because bus can carry lots of people together. कार में हम सिर्फ चार लोग जा सकते हैं, लेकिन मान लो अगर आपकी फैमिली बड़ी है एंड 10 लोगों को कहीं एक साथ जाना है, सो व्हाट डू? वी हायर अ बस, राइट? बिग बस, उसमें हम साथ में जाते हैं बाहर पिकनिक के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, राइट? और अगर आपको स्टेट के बाहर जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है और वो लंबी दूरी पे है, लाइक सपोज आपको गुजरात से मुंबई जाना है, तो व्हाट डू? मुंबई इज इन महाराष्ट्र, राइट? एंड नाउ वी आर इन गुजरात, मोरबी. सो आपको अगर गुजरात से महाराष्ट्र जाना है तो व्हाट डू? वी यूज ट्रेन, बिकॉज ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड. लैंड पे अगर हमें सबसे फास्ट ट्रैवल करना है तो इट इज थ्रू ट्रेन, राइट? अगर हम कार में किसी जगह पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर 5 घंटे में पहुंचते हैं, तो ट्रेन में वी कैन रीच देयर इन 3 आवर्स. फाइन, ओके. नाउ ये हो गया ट्रेन. नाउ व्हाट वी हैव? एयर मोड. एयर मोड में व्हाट डू वी हैव? वी हैव एरोप्लेन्स. एंड डू यू नो दैट एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? जब पहले एरोप्लेन नहीं बना था तो क्या करते थे लोग? शिप से ट्रैवल करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, राइट? एंड शिप इज वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटर में चलता है ना शिप. तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहले के ज़माने में जाने का टाइम था, जब इंडिया में अंग्रेज आए थे, तो हाउ डिड दे कम? दे केम थ्रू शिप. उस टाइम पे एरोप्लेन्स नहीं थे, क्योंकि एरोप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट्स चाहिए, राइट? तो पहले के ज़माने में एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, एयरपोर्ट्स नहीं थे, तो लोग शिप से ट्रैवल करते थे. और कहाँ ट्रैवल करते थे? हार्बर पे. सी यहाँ पे है ना, पोरबंदर में वी हैव अ हार्बर, बंदरगाह है ना. सो व्हाट डू पीपल यूज टू डू? दे यूज टू ट्रैवल थ्रू शिप. एंड और अभी भी आज के ज़माने में भी जो बड़ा बड़ा सामान और ज़्यादा क्वांटिटी सामान का एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाना होता है, तो इट गोज थ्रू शिप. नाउ डू यू नो सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे अच्छे मसाले जो है वो इंडिया में मिलते हैं, राइट? केरला में. एंड वेयर इज केरला? केरला इज इन साउथ. सो साउथ से जो भी ट्रांसपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट होता है ना मसाला, इट इज़ थ्रू शिप. बड़े बड़े शिप में कंटेनर्स बना के, कार्गोज बना के, हम उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हैं, वी एक्सपोर्ट. और हमारे पास दूसरी कंट्री से जब कोई सामान आता है, इट इज़ कॉल्ड एज
इम्पोर्ट, तो वो इम्पोर्ट कैसे होता है, वो भी शिप के थ्रू होता है, राइट। क्योंकि एरोप्लेन में अगर बहुत ज़्यादा वजन, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वी हैव अ लिमिट इन एरोप्लेन। बट शिप में देयर इज डिफरेंट लिमिट का शिप, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो एयर मोड इज़ द फास्टेस्ट मीन्स। अगर आपको सपोज इंडिया से अमेरिका जाना है, तो आप कैसे जाओगे? अगर आप शिप से जाओगे तो मे बी आपको महीना लग जाए, राइट। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप एरोप्लेन में जाओगे, एयरप्लेन में हाउ मच टाइम इट विल टेक? मे बी इट विल टेक 20 आवर्स। आई हैव गॉन टू इंडोनेशिया, तो मुझे पता है इंडोनेशिया बाली जाने के लिए इट टेक्स 9 आवर्स। सो वॉट कौन कौन से मोड्स यूज करूंगी मैं? ओके, नाउ लेट मी टेल यू अ स्टोरी, और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी, राइट। नाउ द स्टोरी इज, आई वेंट टू इंडोनेशिया, बाली। बाली इज अ सिटी इन इंडोनेशिया एंड इंडोनेशिया इज अ कंट्री। सो वेन आई वेंट टू बाली, वॉट डिड आई डू? आई फर्स्ट ट्रेवल्ड टू मुंबई। मुंबई कैसे गई मैं? मुंबई आई वेंट थ्रू ट्रेन। नाउ वॉट इज ट्रेन? ट्रेन इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट, इजेंट इट? लैंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ मुंबई जाने के लिए वॉट आई हैड टू डू? आई हैड टू फर्स्ट गो टू अहमदाबाद। नाउ हाउ डिड आई गो टू अहमदाबाद? फ्रॉम मोरबी टू अहमदाबाद आई वेंट इन अ कार, राइट, लैंड ट्रांसपोर्ट। नाउ फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई आई वेंट इन अ ट्रेन। सो वॉट इज द ट्रांसपोर्टेशन? इट इज ट्रेन, लैंड ट्रांसपोर्ट। नाउ फ्रॉम मुंबई मुझे इंडोनेशिया बाली जाने के लिए क्या करना पड़ा? आई टुक अ फ्लाइट। सो वॉट वॉज इट? इट वॉज अ एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। वी आई आई वेंट थ्रू अ फ्लाइट, आई टुक अ फ्लाइट एंड आई वेंट टू बाली। नाउ बाली जाने के बाद पूरे बाली को घूमने के लिए वॉट आई नीडेड? आई अगेन नीडेड द कार, इट वॉज अगेन लैंड ट्रांसपोर्ट। एंड बाली के अंदर आई हैड टू गो टू एन आईलैंड, एक आईलैंड के ऊपर मुझे जाना था। तो आईलैंड के ऊपर कैसे जाएंगे? आईलैंड क्या होता है? समुंदर के बीच में एक छोटा सा लैंड, लैंड का एरिया इज अ आईलैंड। सो उस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए हम चल के तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते। स्विमिंग करके जा सकते हैं, बट स्विमिंग को बहुत टाइम लगेगा। देन वॉट डिड आई डू? आई टुक अ फेरी, आई टुक अ बोट। सो वॉट इज फेरी एंड बोट? बोट इज अ वॉटर ट्रांसपोर्ट, राइट। फाइन, नाउ वॉट आई वॉन्ट टू डू यू डू वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज, अभी अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि मैं बाली गई थी, उसमें मैंने कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है वो आपको लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आई हैव यूज्ड टू रीच बाली फ्रॉम गुजरात। लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ 1 2 3 4, ऐसे करके यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फाइन, वी विल स्टार्ट द चैप्टर नेक्स्ट वीक। मंडे से वी विल स्टार्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर।